ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 14 अक्टूबर 2019 सोमवार का दिन है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन से कार्तिक माह प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि कार्तिक स्नान जो कि पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान प्रारंभ होगा जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार चलता रहेगा। रेवती नामक नक्षत्र मीन राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कन्या राशि में, चंद्रमा मीन तथा मेष राशि में रहेंगे। मंगल ग्रह कन्या राशि में, बुध तुला राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए अति उत्तम साबित होगा। धन लाभ के साथ साथ इनको पारिवारिक या पैतृक रूप से कुछ ऐसी संपत्ति या सौगात मिलेगी जिससे इनके परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित हो जाएगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का विस्तार पूर्वक राशिफल तथा उनको करने वाले उपाय एवं उनके भाग्यशाली अंक क्या रहेंगे ये सब कुछ आपको बताएंगे। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लाइक करने के बाद शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक राशिफल लोगों तक पहुंचेगा और लोग इसको देख करके अपने जीवन में लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ रोचक चर्चा होगी। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा कदम आप उठा सकते हैं। रुकावटें जो अभी तक कामकाज में आ रही है वो समाप्त तो हो जाएगी। यात्रा की योजना बन सकती है। पैसों के मामलों में आप पार्टनर की सलाह पर भरोसा करें, उनका सुझाव आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आपके और आपकी पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई तनाव चल रहा है तो उसे सुलझाने का सही समय है। पैसों के मामलों में कोई बड़ा फैसला खुद न करें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही आप आगे बढ़े, काम करें तो आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। और उपाय के रूप में अपने घर से निकलते समय यदि आप कोई भी मिठाई खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। पद और पैसों के सिलसिले में अधिकारियों से चर्चा होने का योग है। प्रमोशन जैसी स्थिति आज आपके साथ बन सकती है। कुछ नया करके आप दिखा सकते हैं। बातचीत करने का तरीका बदले, पैसों की स्थिति पर गंभीरता से विचार करें। दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। हर काम अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। कुछ योजनाओं और कामों में आपको बदलाव करना पड़ेगा। दोस्तों तथा भाइयों से सपोर्ट मिलेगा। जो भी प्लानिंग आपके दिमाग में है उसी से जो है आप आगे बढ़ेंगे और उससे ही आपको लाभ मिलेगा। उपाय के रूप में यदि आप दूध से बनी कोई भी मिठाई शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। नौकरी तथा बिजनेस संबंधी मामले निपटाने के लिए दिन अच्छा है। थोड़ी सी कोशिश से आपको रुका हुआ पैसा भी मिल जाएगा। अचानक आने वाली परेशानियों से आप निपट लेंगे और सफल भी हो जाएंगे। आप जिससे भी बात करें साफ और ईमानदारी से करें। कोई आपसे पैसे भी मांग सकता है। आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप 5 सुपारी भगवान शंकर जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। बिजनेस में फायदा होगा। कोई पुराना बिल या पैसा भी आपको मिल जाएगा। पुराने दोस्तों से अचानक मुलाकात होगी। किया गया अच्छा काम आपको आने वाले दिनों में फायदा देगा। शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे और पुराने किए हुए किसी काम से आपको अच्छा फायदा हो सकता है। आपके मन में कई प्रकार के विचार चलते रहेंगे। छुटपुट और जरूरी काम निपटाने में आपको बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतभेद का सामना करना पड़ेगा। आपसे जुड़े हुए और आसपास के लोगों को आपसे कई अपेक्षाएं रहेगी। कुछ समय शोक पूरा करने में भी आपका निकल जाएगा।
और उपाय के रूप में यदि आप पीला फूल भगवान विष्णु जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। पुराने निवेश से फायदा होने का योग बन रहा है, आपका बिजनेस बड़ा हुआ रहेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, घर से किसी तरह का कोई व्यापार करते हैं तो उसमें अच्छा फायदा होगा, जरूरी काम आपके निपट जाएंगे, मन में कई दिनों से चली आ रही बातें आपके सामने आएगी, कुछ नए काम शुरू करने का मन आप बना सकते हैं, जो निवेश किया है उसमें भी अच्छा फायदा आपको हो सकता है। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सरसों का तेल दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। नौकरी और बिजनेस में कुछ भी नया करने से आपको थोड़ा बचना चाहिए या सोच समझ कर ही निर्णय करना चाहिए, और कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनके बारे में पहले आपने कभी नहीं सोचा था। आज की मेहनत आपको सकारात्मक परिणाम दिलवा सकती है। कई लोग आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, कई तरह की सूचनाएं आपको मिल सकती है। दूसरों की मदद के भरोसे न रहे आपको सावधान रहना होगा और एक साथ कई काम हाथ में न ले। आप परेशानी में पड़ सकते हैं, अपने सोचे हुए काम आज शुरू कर सकते हैं। कामकाज में या तो मन थोड़ा कम लगेगा या रुकावटें भी आ सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप गुड़ का दान किसी भी मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। करियर में आगे बढ़ने की कोई यदि आपको अच्छे अवसर मिले तो उसको आप जरूर स्वीकार करें। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का योग है, किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों से आपको उम्मीदें रहेगी, रोजमर्रा के काम समय पर पूरे हो जाएंगे, जो काम आपने हाथ में लिया है वह भी आप पूरा कर ही लेंगे। आपको शांति तथा धैर्य से काम करना चाहिए, दूसरों की बात गंभीरता से सुनना चाहिए, नए लोगों पर अचानक भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी पेड़ के नीचे शकर और चावल मिलाकर के डालेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, आज आप किसी पुराने काम को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, आपके काम अचानक पूरे हो जाएंगे, संपर्क आपके मजबूत होंगे, किसी प्रकार के वाद विवाद में आपको विजय प्राप्त हो जाएगी, यह बदलाव आपके लिए शुभ साबित होगा, सामूहिक या सामाजिक कामकाज निपटाने के लिए दिन बहुत अच्छा है और समझदार लोगों से आपकी मुलाकात होगी, लगभग हर समस्या का व्यावहारिक रूप से आप समाधान निकालने में सफल भी हो जाएंगे। उपाय के रूप में मछलियों को यदि आप आटे की गोलियां बना करके डालेंगे तो आपका दिन अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज कोई भी काम पूरा करने में आपको सहयोग मिलेगा, जो काम आपके सामने है उस पर ध्यान दें, दोस्तों और प्रेमी जनों के कारण आपको कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, आपकी जरूरतें पूरी होगी, योजनाओं में पूरी तरह से सफलता प्राप्त होगी, थोड़ा बहुत परिवर्तन की आवश्यकता रहेगी। आज आप किसी तरह का दबाव महसूस कर रहे हैं तो चिंता ना करें, यह दबाव कुछ समय का है और इससे फायदा भी होगा, पार्टनर से संबंध सुधरेंगे और कहीं पर ऐसी जगह आपको जाने का अवसर मिलेगा जहां पहले आप कभी नहीं गए थे, नए लोगों से मुलाकात, नई जगह की यात्रा का योग बन रहा है और सुगंधित इत्र लगा करके निकलना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। ऑफिस और बिजनेस में कुछ नई चुनौतियां आपको मिल सकती है जिनको पूरा करने की कोशिश आप करेंगे, इनकम बढ़ाने के तरीके आपके दिमाग में चलते रहेंगे, समय के साथ चले, जो जैसा हो रहा है होने दे, कुछ चीजें आपके फेवर में साबित होगी, समय आपके लिए ठीक है, आप किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं तो सावधान रहे, आपके साथ कोई कानूनी मामला चल रहा है तो बेहतर होगा कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोच ले। और उपाय के रूप में भोजन के बाद सौंफ खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। लोगों से मिलने और संपर्क बढ़ाने का दिन है, जो योजना आपने बना रखी है उस पर काम शुरू कर दे, अच्छा फल मिलेगा, ऑफिस में कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं और आप उसमें सफल भी हो जाएंगे, किसी तरह की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने में आप सफल हो जाएंगे, आपका हौसला बड़ा हुआ रहेगा, कोई विवाद यदि चल रहा है तो उसमें समझौता आपको करना चाहिए, मामला आपके फेवर में रहेगा, लेन देन में सावधानी रखें
और उपाय के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में सरसों का तेल का दीपक और एक लाल फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि एक होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। बिजनेस में रुका हुआ पैसा मिलने का योग है। बहुत से मामलों में आपको किस्मत का साथ मिलेगा। कुछ लोग आपसे अपने निजी मामलों को लेकर सलाह भी ले सकते हैं। नौकरी पेशा यदि आप है तो वहां पर लाभ मिलेगा। नई नौकरी या नया पद आपको मिल सकता है। पदोन्नति के उत्तम अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। कल्पनाशीलता के प्रभाव से आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे और उपाय के रूप में एक बिल्व पत्र यदि भगवान शंकर जी के मंदिर में आप चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।